तो हे गाइस, दिस इज सुवीर एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने का या फिर कुछ ना कुछ बनने का सपना देखने लगोगे या फिर उन सपनों में आप चलने में मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज के इस ज़माने में यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करना या फिर सही सही इस्तेमाल करना नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम इंटरनेट को सही से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो देखिए, आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप कहीं भी रहो, हम बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनजाने चीज़ को जान सकते हैं, ना जाने चीज़ को हम सीख सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। तो इसी के चलते भी हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी हम डेफिनेटली जान सकते हैं विद द इंटरनेट। तो दोस्तों, आप अगर इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे भी इंसान होते हैं इस दुनिया में कि जो सच्चाई होते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसे ही जो सच्चा और जो करना चाहिए उसको अगर हम अपने अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली सही के या फिर अच्छा के लिए होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, इंटरनेट में हम जब भी मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, हम जब भी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कई सारे मतलब एक ही बार में चला लेते हैं या फिर स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या क्या आते हैं पता नहीं। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो या फिर आपके मन कहते हैं, तो आप वही चीज़ फॉलो कीजिए जो चीज़ आपको अच्छा लगते हैं। अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि आपको कॉमेडी भी अच्छा लगता होगा, वैसे ही जो टाइम पास करता है उसको भी अच्छा लगता होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, मान लीजिए आपको डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग करना है या फिर बिजनेस करना है, तो वही फॉलो कीजिए जो आपको इंटरनेट पे या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में जो चीज़ आपकी जो सपने होते हैं, जो गोल्स होते हैं उसके मुताबिक जो चीज़ बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। आप फैशन देना अच्छा लगते हो, सही एक फैशन डिजाइनर को फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ भी आएगा, देखते जाएंगे, सभी को फॉलो करते जाएंगे, तो आपका सोच, आपका विचार, आपका काम कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करें कि जो चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी गोल्स में इम्पोर्टेंट होते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप दूसरों को अनफॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़रूरत है ही नहीं। जो चीज़ ज़रूरत नहीं होते हैं उस चीज़ को आप अगर फॉलो करते हो तो क्या होता है पता है, कचरा हो जाते हैं वो चीज़, मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये करूँ ना वो करूँ, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसी चीज़ को आप फॉलो करना चाहिए, चाहे मुझे ही क्यों ना हो, आपके लिए अगर मैं ज़रूरी नहीं है तो आप मुझे भी अनफॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही चीज़ फॉलो करना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप फॉलो करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाले, बल्कि आपकी लाइफ में कचरा भरा देने वाला एक डब्बा ही होगा या फिर डस्टबिन ही होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको नहीं देखना, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंटली उसी को फॉलो करना चाहिए जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेली लाइफ में चलना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए आप एक वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जोड़ भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसी को फॉलो करना चाहिए। आप एक बार डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, लाइफ में सक्सेस
ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत होते हैं। सक्सेस तब मिलेगा जब आप करते जाओगे तो इसीलिए एक दिन दो दिन ऐसा करने से नहीं होगा। आप रोज़ रोज़ करते रहोगे तो देखिए, आप मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर को फॉलो कर लिया और आपके मन में एक फोटोग्राफर का एक सवाल है या फिर जुनून है कि मुझे भी एक फोटोग्राफर बनना है, तो आप अगर एक अच्छे फोटोग्राफर को पकड़ के फॉलो करते हो तो क्या होगा पता है? तो उसके जैसा वो कि मतलब क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा और आप उस जानकारी को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा करना हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप अगर जो सही है उसी को यूज करते हैं या फिर उसी को फॉलो करते हो तो जो ऐसे ही मतलब बकवास करते रहते हैं, ऐसा है ना बहुत सारे, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी को फॉलो कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। आप इसको ज़्यादा नहीं, एक महीना तक इस्तेमाल करके देखिए, एक महीना तक फॉलो करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट अपने आप आने लगेगा। क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो ना, वही चीज़ अगर आप मिल रहे हो तो इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना? तो ऑल द बेस्ट।